देश में बढ़ते प्याज के दामों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की प्याज मंडियों में 8वें दिन भी हड़ताल जारी है। केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत रही बेनतीजा। प्याज के दाम के मुद्दे पर महाराष्ट्र के व्यापारी और सरकार आमने सामने है। मुंबई में हुई बैठक बेनतीजा रही है। व्यापारियों का आरोप है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी है। यहाँ तक कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी तक भी नहीं बनाई गई है। लेकिन अगले दौर की बात करने के लिए 29 सितंबर को दिल्ली में दोनों पक्षों की बैठक होगी। व्यापारियों का कहना है कि नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनसीसीएफ की वजह से पूरा बाजार खराब हो गया है। ये दोनों एजेंसियां बाजार में जानबूझकर प्याज का दाम गिरा रही है। उधर प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से बिजनेस की कमर टूट गई है। इस बीच नासिक की प्याज मंडियों में हड़ताल का आज 8वां दिन है। करीब 20 बड़ी मंडियों के 500 से अधिक व्यापारियों ने प्याज की नीलामी बंद की हुई है। इससे करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है और नासिक महाराष्ट्र में प्याज की खेती का गढ़ है। यहाँ के लासल गाँव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, इसलिए यहाँ 8 दिन से प्याज की नीलामी न होना खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे किसान तक।